दोस्तों, हम लोग फिर से अगेन एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे आप चैनल को क्रिएट कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल को बनाने के पीछे क्या कुछ होती है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो बैनर हो, लोगो हो, ग्राफिक हो, वीडियो एडिटिंग तो हम ऐसे कवर करते ही हैं, बट फिर भी अच्छे से वीडियो एडिटिंग कवर करेंगे, एक एक पॉइंट बेसिक टू बेसिक आपको समझाने का कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम लोग पूरा ए टू जेड कवर करेंगे यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब में हम कैसे आगे बढ़ें, चैनल को कैसे कंटिन्यू करें, ग्रो करने का मैं आपको नहीं बताऊंगा, कैसे कंटिन्यू करना है, कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ बताऊंगा ए टू जेड। तो आज की ये सीरीज की पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक चैनल को क्रिएट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से काफ़ी आसानी से। तो आज की इस वीडियो में हम कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करेंगे, मैं पहले आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर वन, चैनल क्रिएशन इन मोबाइल फ़ोन। पॉइंट नंबर टू, चैनल को वेरीफाई करना है ताकि हम थंबनेल ऐड कर सकें। पॉइंट नंबर थ्री, चैनल को कस्टमाइज़ करना है ताकि जो जो भी व्यूवर्स आएंगे उन्हें हमारा चैनल अच्छे से उन्हें दिखेगा। और भी कुछ सेटिंग्स है लाइक सब्सक्राइबर को हाइड करना, ये चार से पाँच पॉइंट हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए फिर चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ए टू जेड वहीं पर अब हम बात करते हैं। तो नाउ गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको चैनल को क्रिएट करने के लिए आपको एक जीमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, एक जीमेल अकाउंट की। तो जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है, गूगल पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपका लोडिंग लेगा। आपको ध्यान देना है कि नेट आपका ऑन रहे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दे देना है जो भी लॉक स्क्रीन में लगाई हुई है और फिर अगेन थोड़ा सा लोडिंग लेगा और कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलता होगा, इस पर सिंपल क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा फॉर माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, मैं फटाफट से इन्हें फिल कर देता हूँ और फिर आपको आगे का प्रोसेस जो है वो बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम भी फिल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ ये सारी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ और जी आपका जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जीमेल एड्रेस सेट करना है, लाइक यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ pius567@gmail.com। नेक्स्ट करता हूँ तो ये टैग कैन है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ फाइव नंदन, ठीक है। तो इसको चेक करता हूँ, ये अगर लेता है तो सही बात है, चलिए ले लिया। पासवर्ड भी हम सेट कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जीमेल जो अकाउंट है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ आपको एग्री का कुछ आएगा अलाउ करने का, तो यहाँ पर आपको कर देना है। यहाँ पर हम कर देते हैं, उसका चेकिंग इन्फॉर्मेशन होगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा और उसके बाद जो जीमेल अकाउंट है आपका वो रेडी यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जीमेल अकाउंट अपना अकाउंट जो है वो न्यू बना लेना है। उसके बाद अगेन जाना है आपको क्रोम पर, क्रोम खोलना है। क्रोम खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है www.youtube.com, ठीक है। यहाँ पर ये youtube.com मैंने पहले से सर्च कर रखा है। तो youtube.com खुलने के बाद यहाँ पर आपको जो है ये वाला थ्री डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, या उसके बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट है, इस पर आपको सिंपल इनेबल करना है डेस्कटॉप साइट को। डेस्कटॉप साइट जो है वो आपका इनेबल हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपका कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ एक सेकेंड। तो अब आपको यहाँ पर जो एक लोगो दिखता होगा आपको ये वाला लोगो, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ जाएगा ऑटोमेटिक क्रिएट अ चैनल, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है क्रिएट अ चैनल, तो इस पर आपको सिंपल टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपका लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा योर क्रिएटर जर्नी बिगिंस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है,
तो यहाँ पर हमें सिंपल करना है गेट अ स्टार्ट, और गेट अ स्टार्ट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा, चूज हाउ टू क्रिएट योर चैनल। यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि क्या आपका जो जीमेल आईडी में जो नाम है उसी को आप चैनल नाम रखना चाहते हो या फिर आप कोई कस्टम नेम रखना चाहते हो। तो यहाँ पर हम कस्टम नेम पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर यूज अ कस्टम नेम पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड अ चैनल नेम, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं AI World। ओके, कुछ भी हम इस प्रकार का लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, उसके बाद क्रिएट पर आपको क्लिक करना है। ये यहाँ पर जो क्रिएट वाला ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना है, थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका जो चैनल है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद यूज़ यूट्यूब एज ए, इसको हम ऐसे ही करते हैं क्रिएट चैनल। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू टू स्टूडियो हम कर देते हैं और कंटिन्यू टू स्टूडियो करते ही यहाँ पर आपका हल्का सा पेज जो है वो लोडिंग लेगा। उसके बाद उधर से आपका जो है चैनल हो जाएगा क्रिएट। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको टैप करना है और टैप करने के बाद यहाँ पर आपको जाना है योर चैनल पर, और योर चैनल पर जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है वीडियो है वो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं आप, नहीं तो डायरेक्ट जो है वीडियो जो है वो आप यूट्यूब एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सॉरी अपलोड कर सकते हैं। अब हमें कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ पर देखिए आपको कस्टमाइज़ का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर हम टैप करते हैं। इस पर जैसे ही हम टैप करेंगे तो चैनल जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का आपका देखने को मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर देखिए होम आ गया, आपका वीडियो आ गया, प्लेलिस्ट आ गया, चैनल आ गया, डिस्कशन आ गया, अबाउट आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर अबाउट में, अगर अबाउट सेक्शन में जाते हैं तो अबाउट सेक्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, चैनल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आप ऐड करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो है आप ईमेल भी ऐड कर सकते हैं फॉर बिजनेस इंक्वायरीज, और लोकेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर लिंक है, तो लिंक में आप 5 लिंक ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए 5 लिंक्स आप है वो ऐड कर सकते हैं, वो चाहे आपका इंस्टाग्राम का होगा या फिर आपका फेसबुक का होगा या फिर व्हाट्सअप, कुछ भी ग्रुप का, यानी कुछ भी एक 5 लिंक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपका है ऐड चैनल, फीचर चैनल, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फीचर चैनल आप ऐड कर सकते हो। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें ये जो यहाँ पर है ऐड चैनल आर्ट, यहाँ से आप चैनल आर्ट ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर लोगो ऐड कर सकते हो। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। चैनल हो गया हमारा कस्टमाइज, भैया हमें अबाउट सेक्शन लिख देना है और वीडियो को जो है वो अपलोड करना है, और फिर यहाँ पर अगला कस्टमाइजेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब इन पर भी हम नेक्स्ट डिसाइड करेंगे टॉपिक, जो ये टॉपिक है कि सेक्शन कैसे ऐड करना है, ट्रेलर कैसे लगाना है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम जरूर कवर करेंगे। अब बात करते हैं चैनल को वेरीफाई कैसे करें। तो सिंपल हमें यहाँ पर टैप करना है अगेन लोगो पर, यूट्यूब स्टूडियो पर टैप करना है, और यूट्यूब स्टूडियो पर हम जैसे ही टैप करते हैं तो हल्का सा जरा सा लोडिंग लेगा, और उसके बाद यहाँ पर एक पेज आपका ओपन होता हुआ नज़र आएगा। तो ये देखिए पेज यहाँ पर आपका ओपन हुआ हो रहा है, हो चुका है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल देखिए यहाँ पर आपको सेटिंग दिखता होगा, एक सेकंड हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं ताकि आपको दुविधा ना हो। यहाँ पर देखिए सेटिंग वाला ऑप्शन है, इस पर हमें सिंपल क्या करना है, टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है चैनल पर, ये जो चैनल वाला है इस पर हमें टैप करना है चैनल वाले पर, और चैनल वाले पर हम जैसे टैप करते हैं उसके बाद यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, चैनल को कस्टमाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। हमें एडवांस सेटिंग में जाना है, एडवांस सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर जो काउंट है इसको आप यहाँ से हाइड कर दीजिए, टिक मार्क को हटा दीजिए, सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। ब्रांडिंग, यहाँ पर ब्रांडिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगी। उसके बाद यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी है, इसको भी आप चेक कर सकते हो। स्टेटस एंड फीचर यहाँ पर अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए स्टेटस एंड फीचर जो है ना इस पर हमें टैप करना है। इस पर हम जैसे टैप करते हैं अगेन एक नया पेज जो है वो ओपन होगा,
और ओपन होता है, फिर आपको हम बताते हैं। हाँ, ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, क्या क्या आप एलिजिबल हो, एलिजिबिलिटी। अब यहाँ पर अगर हम आप ऊपर में गौर करके देखोगे तो यहाँ पर आपको एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वेरीफाई आपका चैनल, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको देना है और आपका चैनल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंट्री सेलेक्ट करना है, उसका टेक्स्ट में विद द वेरीफिकेशन कोड, फिर आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी डालना है, पर चैनल वेरीफाई हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप जो है थंबनेल ऐड कर सकोगे YT स्टूडियो, ये वाला जो स्टूडियो ऐप है इसकी मदद से। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, लोगो बनाना और बैनर बनाना, और फिर आगे इस सीरीज में आप सपोर्ट करते रहिए, हम वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर द टुडे गाइज, और मेरा मानना यही है कि हम लोग चाहे ग्रो हो पाएँ या ना हो पाएँ, लेकिन अगर इसी प्रकार से हम लोग सीखते रहें यूट्यूब की मदद से, और यूट्यूब पे अच्छे अच्छे काम करके लोगों की मदद करते रहें, सिखाते रहें और इसी प्रकार से मचाते रहें, तो एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और हो सकता है हम आगे ना बढ़ें, लेकिन एक बेस्ट और एक अच्छा वीडियो एडिटर और क्रिएटर जरूर बन सकते हैं। एट लास्ट आई अगेन वॉन्ट टू से, सीखते रहो, सिखाते रहो, मचाते रहो भाई।